हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस सैमसंग 7 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन का। इसको हमने पिछले साल नवंबर 2022 में ख़रीदा था, तो हम बहुत सेटिस्फाइड हैं इस मशीन के वॉशिंग क्वालिटी से। तो आज हम देखते हैं इसका ही रिव्यू करेंगे कि ये 6 महीने बाद कैसा परफॉर्म कर रही है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाना चाहूँगा इस मशीन का। इसका पूरा टच पैनल है, यहाँ पे इसका वाटर नीचे, वाटर आउट, ये नीचे इन, ये वॉल और ये सप्लाई। और थोड़ा इसका ड्रम, यहाँ पे आप कंफर्ट वगैरह डाल सकते हैं। ये जेट है, थोड़ा एडिशनल वाटर बीच में, वॉशिंग के बीच में स्प्रे करना है। इससे सर्फ लिक्विड या निर्मा अच्छे से, पाउडर अच्छे से मिक्स होता है पानी में। और ये ड्रम है, तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको आज हम क्या इसमें वॉश करेंगे। आज हम इसमें, ये हमारे डाइनिंग टेबल के चेयर के कवर्स है, तो ये कम्प्लीटली सिर्फ इनको ही लिया है चेक करने के लिए कि इसका वॉशिंग क्वालिटी मशीन का कैसा है। तो आप सब लोगों को एक हेल्प हो जाएगा। तो चलिए वॉशिंग स्टार्ट करते हैं। इसको क्लोज कर दिया हमने, मेन डोर को क्लोज कर दिया, ठीक है। चलिए अभी इसको, अगर आपको क्विक वॉश करना है, थोड़ा सा जल्दी वॉश करना है, तो इस पे हम क्या करेंगे, सुपर स्पीड, नॉर्मल पे रख के सुपर स्पीड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, इसको ये देखिए सुपर स्पीड का बटन ऑन हो गया। ये बोल रहा है कि ये तीन बार स्पिन करेगा, तो हमें तीन बार स्पिन नहीं चाहिए, दो बार ही चाहिए, दो बार वॉश चाहिए। और वॉश दो बार, रिंस दो बार और स्पिन दो बार, ठीक है। तो मैं इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ। ये अभी इसका वाटर लेवल कितना इसका रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से वॉशिंग का टाइमिंग कैलकुलेट करेगा। इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, 32 मिनट्स, ये बोल रहा है कि 32 मिनट्स। तो ये देखिए अभी चालू हो गया इसका। इसका टच पैनल बहुत ही अच्छा है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बटन्स कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ टच स्क्रीन जैसा, लेकिन हालांकि इसके अंदर बटन्स है। ये चाइल्ड लॉक के ऑप्शंस है,
और ये जो है वो एरर का ऑप्शन है, इसको प्रेस करते हैं तो वो एरर कोड दिखाता है कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, लेकिन अभी फिलहाल तक हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। पिछला वीडियो मैंने डाला था, लेकिन उस टाइम वो मशीन टाइल पे नहीं रखा हुआ था, इस बार ये मशीन पूरा टाइल पे रखा हुआ है। अगर आप के घर में प्रॉपर टाइल है लेवल पे, तो आपको कोई भी एडिशनल स्टैंड्स की ज़रूरत नहीं है, 1000-2000 रुपये का स्टैंड खरीदने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखेंगे कि स्पिन जब होता है ये, तो ये वाइब्रेट करता है नहीं करता है, और आप देख सकते हैं इतना क्लोज रखा है हमने बेसिन से। इतना ही क्लोज है, ज़्यादा गैप नहीं है, फिर भी देखते हैं अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो में ये कितना शेक करता है, करता है नहीं करता है। इसके स्पेसिफिकेशन, ये लेटेस्ट मॉडल है 2022 का, और अभी तक का मार्केट का लेटेस्ट मॉडल है सैमसंग का, अंडर 20,000 रुपीज़। उसका बिल भी बहुत कम आता है, हार्डली 100 और 200 रुपीज़, 100-200 रुपीज़ का इलेक्ट्रिसिटी बिल है। इसके लिए हमने कवर भी ख़रीदा है, ये कवर है इसका, वो कवर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपको अगर मैन्युअली वाटर डालना है तो आप मैन्युअली वाटर भी डाल सकते हैं, आपको सिर्फ ये मटन यहाँ पे पॉज करना है, कवर ओपन करना है और वाटर डालना है, यहाँ तक वाटर डालना है क्योंकि कपड़े कपड़ों के हिसाब से, और फिर आप क्लोज कर देंगे और फिर से शुरू कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक टाइम उतना रिड्यूस कर लेगा। वाटर लेवल 1 है, वॉश लेवल 1, रिंस 2, स्पिन 2, ठीक है, ये बता रहा है कि अभी ये वॉश हो रहा है। और इस कवर्स को हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए इसको ख़रीद के, तो पहली बार इसको वॉश कर रहे हैं। तो
ये जो साउंड आ रहा है आपको, ये पानी की मोटर का साउंड है। देखिए झाग कैसा आया है इसका। लिक्विड डिटर्जेंट डालते हैं तो वो जल्दी पानी में मिक्स हो जाता है और अच्छा रिजल्ट देता है। जो निरमा या पाउडर हम यूज़ करते हैं वो पानी में मिक्स होके टब के नीचे जमा हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म में वो थोड़ा स्केल पकड़ लेता है। इसका एक डिस्केलिंग का पाउडर भी आता है, हम कौन सा पाउडर यूज़ करते हैं हमें दिखाना चाहूँगा आपको। ये वाला पाउडर यूज़ करते हैं हम, इसको ऑनलाइन मैंने ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से, सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। वाटर इसका इंटेक हो गया ख़त्म, अभी ये पानी नहीं लेगा अंदर। वॉशिंग चालू कर दिया, तो इसको एक डेढ़ महीने में आपने एक बार पूरा इसको डाल के एक टब के सिलेक्ट करके वॉश करना है। यहाँ से आपको ऑन करना है और ये साइकिल सिलेक्ट करना है इको टब, और ये पाउडर डाल देना है नीचे। ऑटोमेटिक वो वन एंड हाफ आवर में पूरा टब पानी से भर के क्लीन कर लेते हैं। अगर आप मशीन को पॉज करके देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चलिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको, किसको प्रेस कर रहा है एक बार, ये बंद हो गया। चलिए इसको अभी ओपन करते हैं, ये देखिए कितना पानी लिया है इसने, ज़्यादा नहीं है, झागी झाग। अब इसमें कुछ बचा है क्या वो देखते हैं। ये पूरा कर लिया, इसको कवर को कर देते हैं बंद, ठीक है, इसको कर देते हैं। ये वाटर प्रूफ है, कोई टेंशन का काम ही नहीं है। ये फिर से वहाँ से ही चालू,
कुछ एरर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी ये वाटर ड्रेन कर रहे हैं यहाँ से पूरा, अभी वाटर ड्रेन कर रहे हैं इसको जूम करके निकल। पूरा वाटर ड्रेन देखिए पैनल पे ये बोल रहा है कि वॉश अभी कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी ये थोड़ी देर बाद और से पानी लेगा और फिर रिंस करेगा, यानी जो कपड़े धुले हैं सर्फ लिक्विड और पानी से, वो पूरा वो कपड़ों से निकालेगा अभी रिंस में। देखिए अभी घूम रही है मशीन, अभी ये जेट से एडिशनल पानी ले रहा है। इससे वॉशिंग का थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है। ट्वेंटी मिनट्स टाइम बता रहा है अभी, अभी देखिए रुक गया। इसका मेन जेट से पानी आना चालू, चलिए मैं अभी डायरेक्टली आपको, डायरेक्टली आपको जब एक रिंस लेवल बचेगा तब का वीडियो कंटिन्यू दिखाता हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, देखिए अभी ये सेकंड लेवल बचा है, यानी लास्ट लेवल रिंस का, और 10 मिनट टाइमिंग है। अभी इसमें पानी ले लिया, पानी और रिंस पैरेलल ही चल रहा है। तो अभी ये पूरा इसने जितना भी साबुन था कपड़े में वो ऑलमोस्ट निकल दिया है। ये रिंस करता है, रिंस के बाद थोड़ा सा स्पिन करता है पानी निकालने के लिए। स्पिन शुरू हो जाएगा इसका। अभी 7 मिनट्स और बचा है, 6 मिनट्स बचा है।
अभी तक जो स्पिन हो रहा था ये रिंग्स का स्पिन था, अभी ये स्पिन जो शुरू होगा वो ड्राई का स्पिन शुरू होगा, यानी क्लोथ अभी ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका जो स्पीड रहता है वो नॉर्मल रिंग से थोड़ा सा ज़्यादा हैवी रहता है। देखते हैं मशीन कितना वाइब्रेट होता है, नहीं होता है। आपको अगर सिर्फ कपड़े ड्राई करना है, अगर आपने बाहर धोए हैं तो भी आप डायरेक्टली रेंजर स्पिन की साइकिल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप कोई भी कपड़ा अगर आपने बाहर धोया है मशीन के बाहर तो आप इसमें सुखा सकते हैं। तो ये बेसिकली रेनी सीजन और विंटर रेनी सीजन में बहुत यूजफुल है। जैसे 5 मिनट बचा है तो साइकिल कवर कर लेंगे। देखिए आपका मशीन अगर टाइल पे सही लेवल पे बैठा है तो बिल्कुल नहीं सरकने वाला ये मशीन। देखिए अभी यहाँ पे वॉशिंग कंप्लीट हो गया है। चलिए अभी देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है। ये कपड़ा ड्राई हो चुका है, अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। ये ऑलमोस्ट ये देखिए
सूख चुका है पूरा। फिर भी आपको थोड़ा 10-15 मिनट तो भी धूप में सुखाना पड़ेगा। इसका भी वॉशिंग क्वालिटी देखते हैं। आपने पहले देखा, देखिए पूरा चमक रहा है अभी, यहाँ पे रखा था मैंने। को दूर से भी दिखाना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा मशीन है, बहुत ही सुपर मशीन है। 3-4 लोगों कि फैमिली के लिए क्लोथ्स वॉश करने के लिए बहुत अच्छा मशीन है सैमसंग की तरफ से। अंडर 20,000 रुपीज़ है। बाकी एलजी वर्लपूल भी अच्छा है, लेकिन वो सब बॉडी अच्छे नहीं है वो सब मशीन के। चलिए फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसको देखने से आपको बहुत कुछ मालूम चला होगा सैमसंग और इस मॉडल के बारे में। तो आप अपना डिसीजन बना सकते हैं, आपको ये मशीन खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। चलिए, और कवर के साथ मैं एक फोटो बेच में डाल दूंगा, और ये पूरा सूखने के बाद इसका एक मैं फोटो डाल दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।